कितना अच्छा होता ना कि बुलडोजर सबसे पहले उनके घर यानी कि सत्ता पक्ष के घर चलता जिन्होंने नियमों को तोड़कर अपने घर बनाए हैं। मीडिया भी उन्हें कवर नहीं करता, उन्हें नहीं दिखाता। जिन विधायकों और पार्षदों ने नियम संगत घर ना बनाकर नियमों को तोड़कर अवैध कब्जा किया हुआ है, क्या वाकई में बुलडोजर अगर नियम संगत था तो सवाल यही कि आखिरकार फिर ये बुलडोजर सबके यहां क्यों नहीं दौड़ता। सबसे पहले आपको नहीं लगता कि सत्ता पक्ष के यहां अगर दौड़ता तो फिर ये सवाल और ये बवाल खड़ा ही ना होता। अब सवाल यह कि सब कुछ नियम के हिसाब से अगर हो रहा है या फिर नियम के अनुरूप ही हो रहा है, और क्या वाकई में विरोधी दल और गरीबों पर ही ये लागू हो रहा है यही नियम। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, याद कीजिए 9 सितंबर 2020 की तारीख। यह तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज होने लायक नहीं है, ना ही आप दिमाग पर इस तारीख को लेकर ज्यादा जोर डालिए। मैं तो बस एक किस्सा आपको याद दिला रहा हूं। बॉलीवुड की एक महान 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 हस्ती जिनका नाम है कंगना रनौत, उनका छज्जा गिराया गया था इसी बुलडोजर ने। तब कोहराम मचा था, कई नेता छाती पीट रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि कंगना का छज्जा क्यों गिराया गया। मगर आज गरीब का आशियाना गिर रहा है और देश का मीडिया तालियां बजा रहा है, गलत पर पर्दा डालने के लिए पूरा नेटवर्क बन गया जिसमें मीडिया से लेकर स्कूल कॉलेज के पुराने छात्र और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे विद्वान भी इसमें शामिल हो चुके हैं। क्या आपको वाकई यह सब कुछ न्याय संगत लगता है, वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद भी लोगों के घरों पर बुलडोजर चल रहा था। आपको लगता है कि अमीर के घरों में भी ऐसा ही होता कि आदेश जारी हो जाता और उसके बावजूद भी बुलडोजर यूं ही गरज रहा होता। खैर वो गीत तो आपने सुना होगा, वो गीत कुछ यूं है कि नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद्दी और जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो, देश प्रेमी आपस में प्रेम करो, देश प्रेमी हो। कुछ याद आया आपको, मन किया आपसे साझा कर लूं, क्योंकि देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, इस नफरत की जिंदगी में यह गीत मुझे याद आ गया, देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। वरना बाकी रही सही कसर तो कोहराम तो मच ही रहा है, हैं? तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, कहीं बुलडोजर के आगे सारे मुद्दे गौण तो नहीं हो गए। मैं सीधा रुख करूंगा और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को आज मैं इस चर्चा के भीतर लेकर आऊंगा, वो विषय जो चर्चा जिस पर हो ही नहीं रही, ये जो आशियाने गिराए जा रहे हैं, अवैध कब्जा है, गिरने चाहिए, लेकिन जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए क्या उन मुद्दों पर चर्चा हो रही है। मैं सीधा रुख करूंगा अपने मेहमानों की तरफ, आपको बता दूं आज हमारे साथ जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका तारुफ करवा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं भूदेव शर्मा, कांग्रेस के नेता हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं कीर्ति निधि पांडे जी, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। संजय त्यागी जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं जो कि बीजेपी के नेता, माफ करिएगा, और भूदेव शर्मा और कीर्ति निधि पांडे जी समाजवादी पार्टी से। और साथ ही मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे आशीष पांडे जी, वरिष्ठ एडवोकेट हैं, वकील हैं और हमारे मित्र भी हैं, और इनसे हम अक्सर ऐसे मुद्दों पर राय लेते हैं जो कानून संगत हो। मैंने आज आशीष जी को क्यों आमंत्रित किया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है, बहुत बड़ा मकसद, और वो मकसद मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले त्यागी जी, मैं इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो तो। त्यागी जी इजाजत है जी? त्यागी जी बिल्कुल बिल्कुल, चलो चलिए। तो मैलॉट आप ही से मैं शुरू करता हूं, वकील साहब भी हैं, जज भी आप हैं, आप जनता की अदालत में ये सुनवाई शुरू होती है, जनता ही तय करेगी। आज मैं कुछ तस्वीरों के साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा, और ये तस्वीरें क्योंकि मुझे याद आया कि इस बुलडोजर को लेकर पहले भी कोहराम मचा था,
जब कंगना का छज्जा टूटा था, कंगना का छज्जा टूटा था, तो मेरे देश की मीडिया इतनी परेशान हो गई थी कि मानो बवाल आ गया, तूफान आ गया, उफ। और आज यही मीडिया ताली बजा रही है। खैर, तस्वीरें पहले प्ले करिए। कंगना वाली तस्वीरें जिसका जिक्र मैंने किया, पहले उन तस्वीरों को प्लीज, थैंक यू। ये तस्वीरें देख के कुछ याद आया त्यागी जी आपको? ये तस्वीरें 9 सितंबर 2020 की, जब कंगना का छज्जा टूटा था और कोहराम मच गया था, मगर आज गरीब का आशियाना गिर रहा है और मेरे देश की मीडिया ताली बजा रही है। ये कुछ अटपटा नहीं लगता त्यागी जी आपको कि कंगना का छज्जा टूटा तो मैंने देखा पता नहीं कितने कितने नेता छाती पीट रहे थे, आज कोई छाती नहीं पीट रहा। कंगना का छज्जा बताओ, हमारे देश की इतने बड़े बॉलीवुड हस्ती का छज्जा, प्लीज त्यागी जी को ले आइए। त्यागी जी प्लीज कंटिन्यू। देखिए चावला भाई, ऐसा है, 9 सितंबर 2020 कंगना रनौत जी के साथ महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, हाँ, वो तो आप जिक्र क्यों कर रहे हैं। मेरा निवेदन आपसे ये है कि कल और आज जो प्रकरण राजस्थान में हुआ है, कल राजस्थान में 300 साल पुराना शिव मंदिर कांग्रेस ने गिरा दिया, कंगना पे चर्चा नहीं करो राजस्थान। एक मिनट चावला भाई, जरा एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि कंगना पे चर्चा मत करो, पुरानी मैं मना नहीं कर रहा, आप हर मुद्दे पर चर्चा कीजिए, लेकिन सुनिए आप 2020 के मुद्दे की क्यों बात कर रहे हैं। नहीं, मैं तो कंगना के छज्जे की बात कर रहा हूं सर। हमारे आपको याद नहीं आया कि कंगना का छज्जा जब टूटा था 2020 में, तब कितना कोहराम मचा था देश में। मैं किसी, आप कोहराम तो देश में कल 300 साल पुराना शिव मंदिर तोड़ने का पाप राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किया है, सैकड़ों वर्ष पुरानी गौशाला को आज तोड़ने का काम। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि बदला ले रही है कांग्रेस, हमने मस्जिद तोड़ दी, वो मंदिर तोड़ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। और जहांगीरपुरी में कांग्रेस के ही वकील जाकर के 2 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेकर के आ जाते हैं, 300 साल पुराना शिव मंदिर टूटता है, सैकड़ों वर्ष पुरानी गौशाला। अच्छा त्यागी जी, अब मैं एक और महत्वपूर्ण विषय पर आता हूँ। त्यागी जी एक और महत्वपूर्ण विषय पर, सेकुलरिज्म के जो ठेकेदार हैं, इनको 300 साल पुराना शिव मंदिर दिखाई नहीं दिया? मैं पूछ लूंगा उनसे। त्यागी जी प्रवेश द्वार त्यागी जी वो दिखाई नहीं दिया? त्यागी जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि हमने मस्जिद तोड़ी तो इन्होंने मंदिर तोड़ दिया, आप मुझे ये समझा रहे हैं? खैर, आरोप भूदेव जी, कोई मस्जिद नहीं तोड़ी कांग्रेस की, राजस्थान सरकार ने, चावला भाई अपडेट कर लीजिए, 300 साल पुराना जो शिव मंदिर तोड़ा है उसके बराबर में मस्जिद भी थी, ये पाप इन्होंने किया, मस्जिद को छोड़ा और 300 साल पुराने शिव मंदिर को तोड़ने का पाप किया। ओके त्यागी जी, अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है, ये सवाल वैसे मेरा आशीष जी से होता, अदालत चाहे तो फिर दिल्ली शहर के ही, सिर्फ दिल्ली शहर के ही मैं ये प्रश्न लेकर जाऊं, लेकिन उससे पहले आपको नहीं लगता कि अगर बुलडोजर न्याय संगत है तो सबसे पहले सत्ता पक्ष के यहां चलता, जहां पर नियमों का उल्लंघन होकर उनके घर और आशियाने बने हैं, तो एक नजीर पेश होती। अगर त्यागी जी ने गलत किया है तो त्यागी जी का हुआ, तो फिर हम कह सकते हैं ना, देखिए त्यागी जी का भी तो तोड़ा कि नहीं, ऐसा हो सकता था त्यागी जी, हो सकता है ऐसा? देखे चावला भाई जहांगीरपुरी वाले मामले में जब कांग्रेस के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में ये टिप्पणी की कि बुलडोजर न्याय संगत है ना, राजनीतिक विरोध त्यागी जी, जहांगीरपुरी कहां जा रहे हो? मैं जहांगीरपुरी नहीं जा रहा, जहांगीरपुरी क्यों? बार बार मैं कह रहा हूं कि न्याय संगत है ना बुलडोजर, पूरे देश में पता है आप क्या कह रहे हैं, बुलडोजर, किसी से भी कहो, चौक पर, चौराहे पर, पान की दुकान पर, बीड़ी की दुकान पर, सब कह रहे हैं कि बुलडोजर। मैं ये पूछ रहा हूं अगर कि आपने भी अगर गलत किया, मैंने भी गलत किया, तो न्याय संगत है तो पहले सत्ता पक्ष के यहां से शुरुआत हो जाए तो बात ही खत्म हो जाए, बवाल ही नहीं हो। तो इसमें गलत क्या है? अगर कोई इसमें गलत क्या है? क्या ये सांप्रदायिक तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले लोग ये नहीं चाहते कि अपराधियों के मन में भय हो? नहीं, हो सत्ता पक्ष के आवेग निर्माण तो सत्ता पक्ष के यहाँ भी हुआ होगा ना कि नहीं? जहांगीरपुरी पर बोलेंगे, जहांगीरपुरी क्यों चले जाते हैं आप बार बार, इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? जहांगीरपुरी नहीं जाना, अभी बुलडोजर पर रहना है, बुलडोजर पर, अवैध निर्माण पर, अवैध निर्माण पर। त्यागी जी
मैं बुलडोजर पर ही हूँ जहांगीरपुरी को, मैं इसलिए मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, कांग्रेस के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल जी जब सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने आरोप लगाया कि जाति विशेष और धर्म के आधार पर, आप जाति विशेष नहीं कह रहे थे, वो धर्म विशेष की बात हो रही थी। त्यागी जी सवाल ले लीजिए, विशेष मैं कह रहा हूँ, सवाल ले लीजिए, धर्म विशेष मैं ये बात सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस तर्क को बिल्कुल खारिज किया। त्यागी जी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी देखिए, त्यागी जी मैं वही कुछ टिप्पणियां लेकर आया हूँ आपके सामने, मैं उन्हीं टिप्पणियों का जिक्र कर रहा हूँ। 6 फरवरी 2020 में इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक शहरी मामलों के मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में यह बताया कि 11 पूर्व सांसद और कुछ अधिकारियों ने 576 सरकारी मकानों पर कब्जा कर रखा है। तो अब मेरा सवाल यह कि क्या उन अधिकारी और नेताओं से आपने 576 सरकारी मकानों का कब्जा मुक्त करवा लिया, यस और नो? वो प्रक्रिया न्यायिक, वो मामला सारा मामला प्रक्रिया में है, खाली कराए जा रहे हैं। जब खाली कराए जाते हैं तो वही सरकारी अधिकारी, अभी आपने देखा ना सर, मेरी बात को ध्यान तो मुद्दा चाहिए अभी। त्यागी जी त्यागी जी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, देखिए सर, अगर 11 पूर्व सांसद और कुछ अधिकारियों ने 576 सरकारी मकानों पर कब्जा कर रखा है तो उनको खाली करवाने का दायित्व, कब्जा मुक्त करवाने का दायित्व भी तो आप ही का है ना, कि नहीं? बुलडोजर की गरीबों के यहाँ चलेगा? कहाँ करवा रहे हैं सर? 2020 का मामला है, 6 फरवरी 2020 का, उसके बाद सरकार ने बताया ही नहीं कि आपने कितने मकान खाली करवा लिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ। नहीं, आपने चुनाव से पूर्व देखा था चौधरी अजीत सिंह का बंगला दिल्ली में खाली हुआ था, वो भी अवैध कब्जे की सूची में था, तो यही सेक्युलरिज्म। मैं लुटिया दिल्ली में कहां का कब्जा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, या सैनिक फॉर्म में कहां का कब्जा दिल्ली में, उसकी बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ उदाहरण के तौर पर। त्यागी जी उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ, इस साल के मार्च में सरकार ने राज्यसभा में बताया कि MDMC के 2 अधिकारियों ने भी अवैध रूप से कब्जा कर रखा है घरों पर, ये गोदी मीडिया नहीं बता दी, मैं जानता हूं। क्या आप लोगों ने ऐसे कब्जे खाली करवाए? देखिए चावला भाई, भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट निर्देश है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, कोई भी संगठित माफिया, कोई भी अनैतिक रूप से अर्जित संपत्ति, सरकारी भूमि पर कब्जा किसी भी व्यक्ति ने किया हो, चाहे वो दल विशेष का हो या भारतीय जनता पार्टी का हो, भारतीय जनता पार्टी का अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश है, ये कांग्रेस या समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं। त्यागी जी, ना इनकी मानसिकता। त्यागी जी मैं जानता हूँ, अब मैं भूदेव जी आ रहा हूँ, एक सेकंड, भूदेव जी सत्ता में होते तो मैं आपसे भी पूछता एक सेकंड। त्यागी जी मुझे एक बात बताइए, क्या ऐसा हो सकता है? मैं सिर्फ आपकी राय पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों की नीयत बिल्कुल साफ है, आईने की तरह बिल्कुल साफ है, है ना? राष्ट्रवादी भी आप हैं, सब कुछ ईमानदार भी आप हैं, तो क्या हमारे देश के अंदर इतने सारे भाजपाई नेता हैं, सिर्फ और सिर्फ पदाधिकारी और भाजपाइयों की बात कर रहा हूं मैं, क्या आप ये मांग कर सकते हैं यहां बैठ के कि सबसे पहले हम भाजपाइयों का ऑडिट हो, जिनका अवैध निर्माण है, सबसे पहले विधायक पार्षद और सांसद उनके मकान गिराए जाए और उसके बाद फिर गरीबों के, क्या मांग करते हैं आप? देखिए जिला प्रशासन का काम है, जिला प्रशासन को जैसे ही कोई शिकायत मिलती है उसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आप मांग कर सकते हैं ना सर, त्यागी जी सरकार के द्वारा होता है। त्यागी जी आप मांग कर सकते हैं ना कि मैं भाजपाई नेता ये मांग करता हूँ कि हमारे जितने भी पार्षद हैं, पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनके घर का ऑडिट हो, वो फोटो के साथ डाले कि हमारे यहाँ कोई अवैध निर्माण नहीं है, जिनके यहाँ है सबसे पहले उनका ढाया जाए और फिर गरीब का ढाया जाए, क्या ऐसा मांग करते हैं आप? मैंने कहा ना, ये जिला प्रशासन का काम है, जिला प्रशासन उसमें जिला क्या हुआ इस मांग करने में क्या दिक्कत है? ऐसी मांग करने में क्या दिक्कत है? त्यागी जी ऐसी मांग करने में दिक्कत क्या है, कोई समस्या है? देखिए हम सरकार में है, अपनी ही सरकार हाँ। से मांग नहीं की जाती है, सरकार गुजारिश तो कर सकते हैं ना, आप नेता है पार्टी के, इतने बड़े नेता है, ये विपक्ष में बैठे हैं, ये विपक्षी लोग, ये कांग्रेस मांग कर ले। अच्छा, कांग्रेस मांग करेगी, आप नहीं करेंगे, इन्हें दिक्कत क्या? ओके अभी कुछ और सवाल है, मैं आगे आपके पास आऊंगा। त्यागी जी ओके, आपने कहा भूदेव शर्मा जी की भुजाएं बहुत देर से फड़फड़ा रही थी। भूदेव जी ये कह रहे हैं कि भैया ये मस्जिद कह रहे थे, इन्होंने मंदिर तोड़ दिया, पहले तो उस पर आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए, फिर आपके पास आ रहा हूं सवाल का जवाब दीजिए। त्यागी जी ने जो कहा बिल्कुल, त्यागी जी सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि चिल्ला चिल्ला करके आप टीवी चैनल पर कितना भी झूठ बोले, जो सत्यता है वो सामने आनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं कि अगर बीजेपी के या भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है
वो टीवी पे आकर के झूठ जो चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं, आपको उनको बोलना चाहिए कि ये असत्य है। एक मिनट भुदेव जी, कौन सा सवाल मैंने गलत पूछा? एक मिनट त्यागी जी, प्लीज लेट मी कंप्लीट। कौन सा सवाल मैंने गलत पूछा? ये जिनके यहाँ पर गोदी मीडिया, सुनिए मेरी बात, सुनिए भुदेव जी, आप जिस गोदी मीडिया के पास जाकर बैठकर डिबेट करते हैं ना, मैं जानता हूँ वो ये सवाल नहीं पूछते, इसलिए ना सवालों पर सवाल मत उठाइए, जो सवाल पूछा उसका जवाब, सवाल का जवाब, सवाल का जवाब, मैंने ये कहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं, तो इनको जो झूठ बोलते हैं उसको आपको वही रोक करके क्लियर करना चाहिए। इन्होंने अभी कहा कि अलवर में मंदिर तोड़ा गया, वही मस्जिद थी उसको नहीं तोड़ा गया। मैं इनसे ये मांग करता हूँ आप वहां जाकर के देखिए कि वहां मस्जिद थी कि नहीं थी। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेकर के डिबेट में बैठते हैं ना, इनको ये बोलिए कि पहले सत्यता की जांच करके आए, वहां कोई मस्जिद नहीं थी और दूसरी बात उसको जो तोड़ कर आया हुई है, एक मिनट, आजकल तो बुलडोजर कंपटीशन हो रहा है, रुक जाओ एक सेकंड भुदेव जी, समझाइए वहां जाकर के देखिए, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से बच जाइए। आज मेरी बात करने राजस्थान संबंध आज बात नहीं, आपने ध्यान की भुदेव जी दिया था कि नगर पालिका बोर्ड में एक प्रस्ताव पास हुआ, नगर पालिका बोर्ड के प्रस्ताव पर 300 साल पुराने मंदिर को, एक मिनट त्यागी जी प्लीज, त्यागी जी क्यों, त्यागी जी यहाँ क्यों, सारे पेपर ओहो, त्यागी जी रुक जाइए, त्यागी जी का ऑडियो नीचे, एक मिनट प्लीज भुदेव जी अपनी बात रखिए, भुदेव जी बात रखिए जल्दी से। डीएम साहब के पास जो ऑर्डर लेके गए हैं वो नगर पालिका का डीएम साहब ने भी दिया है, बकायदा राज्य सरकार ने नगर पालिका से ये कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि आपने इसको कैसे गिराया, कैसे इसको अतिक्रमण मान के गिराया। दूसरा, उसके बावजूद भी राज्य सरकार ने कहा है कि जो मंदिर तोड़ा गया है उसकी पुनर्स्थापना की जाएगी। लेकिन इन धर्म के ठेकेदारों से ये पूछिए कि जब वसुंधरा जी की सरकार में 300 से ज्यादा मंदिरों को गिराया गया, 500 साल से अधिक पुराने मंदिरों को तब इनके मुंह में दही जमा था, जब विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा था तब हजारों साल पुराने मंदिरों को, कई सैकड़ों मंदिरों को आवाज नहीं निकली। लेकिन जब इनके ही निकाय के, इनके ही नेताओं के द्वारा जब भगवान का मंदिर तोड़ा गया, कांग्रेस को बता ओके, ओके, अरे भैया अपने नेताओं को रोकिए, ये लोगों को बांटने का काम मत, ओके हो गया भुदेव जी प्लीज, कीर्ति निधि पांडे जी, एक मिनट ऑडियो नीचे त्यागी जी और भुदेव जी, सॉरी, यहाँ हिंदू मुसलमान मत करो, यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं, मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। कीर्ति निधि पांडे जी, आपको लगता है कि देश में उन तमाम मुद्दों को कुचला जा रहा है बुलडोजर की आवाज से, जो मुद्दे आज देश में गूंजने चाहिए, महंगाई, बेरोजगारी, इस पर कोई चर्चा नहीं, सिर्फ बुलडोजर। वो कह रहे हैं कि तुमने दिल्ली में दौड़ाया तो हम राजस्थान में दौड़ा के दिखाएंगे, वो कह रहे तुमने मंदिर गिरा दिया हम मस्जिद गिरा देंगे, तो ये इससे क्या, किससे, किसका भला होगा, इससे बेरोजगार को रोजगार मिल जाएगा? देखिए तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी इस मामले में एक्सपर्ट है, मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाना जानती है भारतीय जनता, और उसी प्रक्रिया के तहत बुलडोजर और एक नया स्लोगन आज से चला है कॉमन सिविल कोड, ये इन तमाम मुद्दों के सहारे, जो असली मुद्दे हैं, जो महंगाई लगातार बढ़ रही है, जो बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, जो कानून व्यवस्था लगातार ध्वस्त हो रहे हैं, और लगातार जो लोगों में भय का वातावरण पैदा हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाना चाहती है। मैं पूछ रहा हूँ कि देश के अंदर संविधान है, संविधान के तहत न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, सबका अपना अपना काम, क्या कोई सरकार तानाशाह हो जाएगी? ये तानाशाही के रास्ते भारतीय जनता पार्टी है कि जिसका घर चाहो गिरा दो, जिसके घर पे चाहो बुलडोजर लगा दो। अगर कोई लीगल कंस्ट्रक्शन है, अवैध अतिक्रमण है, कोई अवैध सरकारी जमीन पे मकान बनाया है, तो एक व्यवस्था बनी है, हमारे सीनियर वकील है इस पैनल में, वो इसको और क्लेरिफाई करेंगे, एक व्यवस्था है, उसको नोटिस दीजिए, नोटिस में अगर वो जवाब न दे पाए तब उसके नोटिस के खेल में जा ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूं कि जिसका अवैध कब्जा है गिरा दो, ठीक,
अगर ये कह रहे हैं कि न्याय संगत है बुलडोजर, तो बुलडोजर की एक आंख खुली और एक आंख बंद नहीं होनी चाहिए, दोनों आंखें खुली होनी चाहिए, और जिसमें जाति और धर्म कुछ ना देखें। अब उसके बारे में सोचो जो बुलडोजर पर बैठा होता है, वो खुद गरीब है और गरीब का आशियाना गिरा रहा होता है, सोचो कि उसके दिल पे भी क्या बीत रही होगी। लेकिन मेरा सवाल कीर्ति निधि जी ये है कि आज मतलब कि आपका भी एक प्रतिनिधिमंडल जांगीरपुरी गया, आपके पूर्व विधायक का भी पेट्रोल पंप अवैध कब्जे के तहत गिराया गया था, वहां तो कोई नहीं गया। आपने कहा बर्क साहब आप नाराज चल रहे हैं तो जाओ भैया घुमाओ जांगीरपुरी चाचा जान, तो आपने उनको भेज दिया। देखिए इससे क्या हासिल हुआ? देखिए वो कह रहे जुल्म और ज़ाती हो गई, तो मतलब आप भी तो एक वर्ग को टारगेट कर रहे हैं कि नहीं सारे मुसलमान थे उसमें? नहीं लगता आपको, नहीं लगता कि जुल्म और ज़ाती हुई है दिल्ली के अंदर? क्या नहीं लगता दिल्ली की सरकार फेल्योर है कानून व्यवस्था? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उस प्रतिनिधि मंडल में तो अखिलेश यादव भी जा सकते थे ना, बर्क साहब जा रहे हैं, एसटी हसन साहब जा रहे हैं, आप संदेश क्या दे रहे हैं उसमें? फिर आप भी तो जाति वर्ग का संदेश दे रहे हैं ना। आप किसी जाति वर्ग, सहजिल इस्लाम नाम है उनका, जाति वर्ग का कोई संदेश नहीं है। अच्छा, विधायक का पेट्रोल पंप गिरा है तो वहां भी थोड़ी पीड़ा जाहिर कर लेते हैं। उनसे भी वार्ता हो रही है, उनसे भी तमाम तथ्यों की जानकारी ली जा रही है, उनके यहाँ किसी ने कोहराम निकाला। अगर कोई व्यवस्था बनी है तो एक व्यवस्था कानून के तहत सरकारें चलती है, संविधान के तहत चलती है। ये भारतीय जनता पार्टी संविधान से अपने को ऊपर समझती है। जिस जहां का गिरपुरी की बात आप कर रहे हैं वहां माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला दिया, लेकिन उसको भी वो स्वीकार करने को तैयार नहीं। जिस मध्य प्रदेश के अंदर खरगोन में मकानें गिराई गई वहां तमाम प्रधानमंत्री आवास बने थे। ओके, कैसे बन गए इलीगल कंस्ट्रक्शन में प्रधानमंत्री आवास? ओके, कौन है जिम्मेदार? ओके, सरकारी अफसर इसके जिम्मेदार नहीं? ओके, अब मैं आशीष जी के पास जा रहा हूं। आशीष जी, कुछ कानूनी नजरिए से यहां पर पहलू है। बुलडोजर जायज चल रहा है नाजायज चल रहा है? बुलडोजर चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? बुलडोजर एक धर्म को देखकर चल रहा है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा आपका पहले इस नजरिए पर, कानूनी नजरिए से मैं समझना चाहूंगा, क्या बुलडोजर सही चल रहा है या फिर नहीं? फिर उसके बाद में कुछ आंकड़े हैं उस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। आशीष जी प्लीज। सोना साहब देखिए, मैं पॉलिटिकल डिबेट में नहीं पढ़ूंगा कि धर्म विशेष पर बुलडोजर चल रहा है या बुलडोजर चलना सही है या गलत है, लेकिन कुछ तथ्य हैं जिनको हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे जो शहर हैं वो इलीगल अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन से जूझ रहे हैं, और मैं किसी वर्ग का साथ नहीं ले रहा हूँ इसमें। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसमें जो संपन्न वर्ग है, जो धनाढ्य वर्ग है, जो सत्ता का काबिज वर्ग है, उसके लोग भी इसमें शामिल हैं, और जो हमारा लोअर स्ट्राटा है उसके लोग भी इसमें शामिल हैं। इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाने के लिए, जैसा कि उस दिन सुप्रीम कोर्ट का भी कमेंट था लास्ट हियरिंग पर, कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो बुलडोजर तो चलेगा ही, बुलडोजर के अलावा कोई दूसरी मशीनरी नहीं। बिल्कुल, लेकिन देखिए इस चीज को हमको समझने की जरूरत है। कंस्ट्रक्शन, जब हम इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, अवैध कब्जों की बात करते हैं, इंक्रोचमेंट की बात करते हैं, तो डिफरेंट कैटेगरीज। एक कैटेगरी ये हो सकती है चावला साहब, कि सड़क पर ही किसी ने अवैध रूप से एक कोई निर्माण कर लिया है, या कोई ठेला लगा दिया है, या पटरी पर कोई चीज लगा दी है जिससे कि वहां पर लोगों का आवागमन इस तरीके के जो निर्माण कार्य टेम्परेरी होते हैं, नॉन परमानेंट होते हैं, उसको हटाने के लिए कानून किसी नोटिस की रिक्वायरमेंट की बात नहीं करता है। ऑल्दो सर्टेन इंस्टेंसेस हैं जहां पर नोटिस की बात हो सकती है। अगर किसी ने रेड लाइट पर ठेला लगा लिया और वहीं पर सामान बेचने लगा, तो उसके लिए उसको नोटिस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो ट्रैफिक वहीं पर इमीडिएटली बाधित हो रहा है। ठीक, लेकिन कुछ कंस्ट्रक्शन ऐसे होते हैं जिनका की नेचर परमानेंट होता है। सपोज एक किसी इंसान ने अपने घर का, हम छज्जों की बात कर रहे थे, छज्जा आगे बढ़ा लिया है, या किसी बगल की जमीन पर जो सरकारी जमीन थी उस पर निर्माण कार्य कर लिया, उस पर अगर कंसर्न डिपार्टमेंट को ये लगता है कि ये सरकारी जमीन पर निर्माण कार्य हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था, या प्राइवेट जमीन पर ही निर्माण कार्य हुआ है जिसकी की परमिशन नहीं ली गई थी, जिसकी वजह से ये इलीगल है, ठीक, तो उसके लिए उनको नोटिस दिए जाने की रिक्वायरमेंट कानूनी नजरिए से। रिप्लाई के आने आई एग्री विद यू, रिप्लाई के आने के बाद
कंसर्न्ड अथॉरिटी उस पर डिसीजन पास करती है, तब आगे डेमोलिशन का काम हो सकता है, और उसके पहले भी उनके पास कोर्ट जाने का एक राइट होता है कि वो कोर्ट जाकर एक स्टे ऑर्डर ले सकते हैं जब ओके तक सर मैं एक बात और जानना चाह रहा था आपसे। अब मैं कुछ आंकड़ों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूँ आशीष जी, और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा कोर्ट वाला जो मसला है उसके आंकड़े जरा जनता के सामने प्रस्तुत करें, और बहुत गंभीर इस विषय पर इस आंकड़ों को इकट्ठा करके मैं इसलिए एक मैसेज जो संशय के बादल हैं वो दूर हूं। प्लीज जरा कोर्ट का जो मसला है, कोर्ट के आंकड़ों वाले ग्राफिक्स है उसको प्ले करिए। ये आशीष जी हमारे देश के अंदर करीब इस वक्त 4.5 करोड़ केस पेंडिंग पड़े हैं, 4.5 करोड़ केस पेंडिंग पड़े हैं, और दिल्ली में लाखों मामले हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामले लंबित पड़े हैं, और दिल्ली हाई कोर्ट में अवैध कब्जों के जो मामले चल रहे हैं उसकी संख्या करीब करीब जो आंकड़े हैं उसकी संख्या करीब 9,500 के आसपास है दिल्ली हाई कोर्ट में अवैध कब्जों को लेकर, और देश में सुनवाई के इंतजार में करीब 4.5 करोड़ केस अभी हैं, और 50% जजों के पद खाली हैं। तो निचली अदालतों का मसला तो अलग ही है, और सुप्रीम कोर्ट में अगर मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट में ही 70,000 से ज्यादा मामले पेंडिंग, ये सभी अवैध कब्जों के नहीं है मैं क्लियर कर दूं, और 2010 से 2020 के बीच में जो पेंडिंग मामले उसमें संख्या में जो वृद्धि आई है वो 3% की दर से सालाना वृद्धि आई है जो मामले बढ़े। तो ये मैं आंकड़े इसलिए दिखा रहा हूं आपको कि जिस मसले को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं आशीष जी, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इतने मामले पेंडिंग पड़े हैं और एक तरफ ये कार्रवाई का जिक्र होता है, क्या कुछ संशय दिखाई देता है इन सब मामलों में कि आप प्रायोरिटी के आधार पर क्या, क्योंकि टाइमिंग यहां महत्वपूर्ण हो जाती है सर प्लीज। देखिए जहां तक टाइमिंग की बात है मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, उसके पॉलिटिकल कनोटेशंस हो सकते हैं, राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, लेकिन इसका एक पहलू ये भी है चौला साहब की कहीं ना कहीं से तो आपको शुरुआत करनी ही पड़ेगी, और जिस भी जगह से शुरुआत करेंगे वो एक ड्रीम पार्टी होगी और उसका हमेशा ये आर्ग्यूमेंट होगा कि उसको सिंगल आउट किया जा रहा है। देखिए ये पर्टिकुलर एमसीडी तो कहीं ना कहीं से अगर शुरुआत होनी है तो आशीष जी मैं वही तो कह रहा हूँ, अदालत चाहे मैं आप ही से पूछ रहा हूँ कि अदालत अगर चाहे तो क्या दिल्ली शहर के सांसद विधायक पार्षद सभी पार्टियों के एक दर्जन पदाधिकारी और इन सभी के निजी मकानों को ऑडिट करवा ले, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है अदालत आदेश दे कि इन सबके मकानों का ऑडिट करिए किसका अवैध निर्माण है और किसका नहीं है, क्या अदालत ऐसा आदेश दे सकता है, प्रैक्टिकल है? आप बिल्कुल रिट पिटीशन मूव करिए, अगर आपके आर्ग्यूमेंट्स में दम है तो ऐसा आप डिसीजन ला सकते हैं कोर्ट से। मैं जिस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा था मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए एमसीडी की जो इंक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव है ये कंटिन्यूअस ड्राइव है, ये ऐसा नहीं है कि अभी 10 दिन पहले से स्टार्ट हुई है, ये जब आप शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे तब से चल रही होगी, मैं पैदा नहीं हुआ था तब से चल रही है। बिल्कुल इसी जहांगीरपुरी में जनवरी से ये शायद 4th राउंड था जिसमें एक इंक्रोचमेंट इलीगल इंक्रोचमेंट हटाने की ड्राइव चल रही है। एक पहलू इसका निसंदेह ये है जिसको लेकर क्वेश्चन उठते हैं कि इस ड्राइव को चलते समय ऑल्दो एमसीडी ने उसने वहां पर आर्ग्यूमेंट्स दिए कोर्ट में कि उन्होंने ऑलरेडी 3 या 4 नोटिसेस सर्व की हुई है, लेकिन उस सारे इंस्टेंसेस में जहां विदाउट नोटिसेस सर्व किए हुए परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेमोलिश किया गया है वो कहा जा सकता है कि वो शायद कानून संगत नहीं था और उसके लिए शायद फटकार भी सुननी पड़ेगी डिपार्टमेंट को, अगली डेट पर देखिए क्या होता है। ठीक, मैं सर कुछ और मामले हैं उस पर भी मैं आपसे जिक्र करूंगा आगे, और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आगे मैं आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन त्यागी जी क्या वाकई में जो आशीष जी कह रहे कि आप पिटीशन दीजिए और इस पर सुनवाई होगी तो बहुत अच्छा लगेगा, क्या आप भी ये मांग करते हैं कि नहीं करते कि भैया अदालत चाहे तो ऑडिट करवा ले, जितने हमारे सांसद हैं विधायक हैं पार्षद हैं पदाधिकारी हैं अदालत चाहे तो ऑडिट हो जाए, जिसका अवैध कब्जा है उसका ढा दे ताकि ना कीर्ति निधि जी बवाल काट पाए ना भूदेव शर्मा, अगर सबसे पहले सत्ता पक्ष के यहां बुलडोजर चलेगा तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी, आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है त्यागी जी? प्लीज
देखिए चावला भाई, ऐसा है, बात बात पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने वाले ये सेक्युलरिज्म गैंग क्यों नहीं जाते एक पिटीशन लेकर के चले जाएं सुप्रीम कोर्ट? किसने रोका है इनको? अरे जब ये पत्थरबाजों के बचाव में, रोहिंग्या के बचाव में, बांग्लादेशियों के बचाव में अपने वरिष्ठ वकील को भेज करके 2 घंटे में स्टे ला सकते, तो पिटीशन दाखिल करने में इन्हें किसने रोका है? नंबर दो, मैं कुछ कहना चाहूंगा चावला भाई, कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने जिम्मेदार चैनल पर आपके समक्ष कहा कि वो 300 साल पुराना मंदिर हम दोबारा बना रहे हैं। अभी मंदिर मस्जिद पे बाद में जाएंगे ना। अभी इन्होंने पीछे, त्यागी जी देखिए, मैं जानता हूँ आप दिन में 15 डिबेट करते हैं, वहाँ सब जगह हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद चलता है। मैं आपसे सिर्फ वहां कर लीजिएगा ना, छोड़िए, मेरे को आता भी नहीं है सर, मेरे को हिंदू मुसलमान नहीं आता। मैं एक बात, मैं कहा हिंदू मुसलमान कर रहा हूँ, मैं तो कांग्रेस की ये बात कर रहा हूँ। कांग्रेस पहले तो गलती करती है, तोड़ती है देश के, आपसे देश की भावना, मैं तो न्याय संगत बात कर रहा हूँ। हिंदू मुसलमान तो कांग्रेस कर नहीं, तो वो करते हैं ना सर, आप भी नहीं करते। पिछले महीने मैं आपसे कह रहा हूँ, पिछले महीने पूरे देश ने देखा कि बालाजी प्रवेश द्वार को गिराने का काम किया, फिर बनाने का काम किया। सर मैं तो 2 महीने से देख रहा हूँ, आप पिछले एक बनाने का, एक मिनट त्यागी जी, आपने 300 साल पुराना शिव मंदिर तोड़ा, और जब आपने देखा कि सरकारी गिंद जा रही है, सरकारी ऐलान कर दिया, नगरपालिका ने आपके एक मिनट प्लीज, त्यागी जी इस देश में हिंदू मुसलमान तो कांग्रेस कर रही है। हाँ त्यागी जी एक मिनट त्यागी जी, मैं एक बात आपसे पूछ रहा था कि छोड़िए सर, वो हिंदू मुसलमान ही करते हैं, आप नहीं करते मैं जानता हूँ, लेकिन एक बात मुझे बताइए कि ये सब कुछ हो रहा है, क्या आपको लगता कि एक न्याय संगत बात हो रही है? आप ही अपील कर दीजिए ना कि हाँ, हमारे नेता, सांसद, पार्षद, विधायक, पूर्व विधायक, जितने भी हैं उन सबका ऑडिट किया जाए, पदाधिकारी उसमें शामिल कर लिए जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि नहीं? चावला भाई, हर बात पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भागने वाले, ये यही क्यों नहीं रिट फाइल कर देते? किसी ने रोका? अच्छा, इनको जाना चाहिए, क्या बंदी सर इनके पैर? ये चले जाए, मूव कर ले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, चले जाए रिट पिटीशन लेकर के। अच्छा, ये राम मंदिर का निर्माण रोकने के लिए आप देखिए वहां पहुंच गए, 20-20 वकील खड़ा कर सकते हैं ये? नहीं, आप तो बुधे जी, एक मिनट बुधे जी, बुधे जी, एक सेकंड, एक सेकंड, कीर्ति जी, ओके ओके, त्यागी जी क्या बात कर रहे हैं आप? त्यागी जी प्लीज, त्यागी जी तो बेल पर चल रहा है या नहीं चल रहा है? त्यागी जी आपने कहा, त्यागी जी रुकिए प्लीज, बुधे जी प्लीज 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 एक मिनट, एक कीर्ति निधि जी, क्या ये प्रैक्टिकल नहीं लगता आपको कि अगर अखिलेश यादव जी ये ऐलान कर दें, उदाहरण के तौर पर अगर ये नहीं कर रहे नैतिकता के आधार पे, तो अखिलेश यादव जी तो कर सकते हैं ना कि भाई हमारे नेताओं को ऑडिट करवाइए, जिनके अवैध कब्जे हैं पहले उनका ढा दीजिए, क्या दिक्कत है? कोई बोल ही नहीं पाएगा कि नहीं? कीर्ति निधि जी देखिए, तिलक जी जिसके भी लीगल हैं, पांडे जी वकील हैं, उन्होंने बताया है कि अगर कोई परमानेंट कंस्ट्रक्शन किसी का भी लीगल किसी का हो तो उसको नोटिस दीजिए, उससे जवाब लीजिए, अगर उसके जवाब से संतुष्ट ना हो तो डिमालिश का ऑर्डर करिए। लेकिन कहीं भी कोई विवाद की स्थिति हो और सीधे बुलडोजर लेकर के अगले दिन आप मकानों को गिराना शुरू कर दीजिए, व्यक्ति कागज दिखा रहा, कोई देखने को तैयार नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने को तैयार नहीं, ये तो तानाशाही चला रहा है ना, तानाशाही के तरीके सरकार चला रहा है, और ये डर पैदा करके लोगों के अंदर। नहीं तो वो कह तो रहे कि कंगना का छज्जा भी तो गिराया ना, किसी ने रोका क्या? कंगना का छज्जा भी तो गिराया आपके सामने, कितनी देश का सबसे बड़ा मुद्दा था वो उस समय, मालूम है आपको? तो छाती पीट रहे थे सब, सब छाती पीट रहे थे, कंगना का छज्जा गिरा था। का छज्जा गिरने पर ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े प्रवक्ता बड़े बड़े चैनलों पे बैठ करके मतलब कंगना का छज्जा गिरा तब आप कह रहे थे बुलडोजर ने बहुत अच्छा किया, आज आप कह रहे हो कि नहीं लगता था कंगना रनावत
फिल्म अभिनेत्री के घर का छज्जा नहीं लगता था, किसी मंदिर मस्जिद बड़ा गुरुद्वारे का छज्जा गिर गया, इस तरीके से रो रहे थे, बिलाप कर रहे थे। आतिक अहमद मुख्तार अंसारी आजम खान के भी अब 2000 से अधिक की करोड़ संपत्ति जब्त हो चुकी है, क्यों बिलबिला रहे हो? यही असली मुद्दा है। अरे भाई क्यों बिलबिला रहे हो? उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है, यहाँ किसी का संरक्षण, ये असली मुद्दा कैसे? अरे हमने बात नहीं कर सकते, आप सस्ते हमने बदन सिंह बद्दो आप नहीं कर सकते। नहीं नहीं त्यागी जी गुस्सा, त्यागी जी एक मिनट, त्यागी जी 2017 में और 2022 में प्रदेश की जनता ने आपको नकार दिया ना भाई। हाँ हाँ हो गया त्यागी जी एक मिनट बुदे जी यही सवाल मेरा आपसे है, यही सवाल एक मिनट मेरा सवाल यही है आपसे कि भाई अगर न्याय संगत बात थी, एक मिनट कीर्ति निधि जी, न्याय संगत बात थी ये कपिल सिब्बल, उनको ट्रेनिंग की तो जरूरत है नहीं, उनकी ट्रेनिंग से तो कांग्रेस का इतना भला हो गया, तो इतनी न्याय संगत बात थी तो कोर्ट में ये मुस्लिम शब्द जोड़ने की क्या जरूरत थी? त्यागी जी के लिए भी न्याय मांग लेते, त्यागी जी मतलब वहां तो झाजी और गुप्ता जी का भी गिरा था ना, तो उनके लिए भी न्याय मांग लेते। आप कह रहे हो कि मुसलमान, तो मुस्लिम शब्द कहां से आ गया भूदेव जी? नहीं तिलक जी देखिए, अभी आप पूरी प्रक्रिया को समझिए, कहीं पर भी कोई भी लड़ाई दंगा हो जाता है, अगले दिन वही बुलडोजर चलता है। कपिल सिब्बल जी का मतलब केवल एक मुसलमानों से नहीं था, वो सबके लिए ही था, जिनके लिए भी था उनके सबके लिए तोड़ने का काम किया गया। बता रहा हूँ आशीष जी से बड़े झूठ को जो मैं बता रही हूँ, देखो आशीष जी एक सेकंड, इन लोगों से अगर कहा जाए कि बेरोजगारी से बात कर दो बिल्कुल नहीं करेंगे, अगर इनसे कहा जाए महंगाई से बात करो ये जवाब नहीं दे पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने रोजगार दिए, केंद्र सरकार ने कितने लोगों को रोजगार दिया, ये नहीं जवाब दे पाएंगे। लेकिन अभी हिंदू मुस्लिम की बात आने दो, क्या आशीष जी कंफ्यूजन दूर करिए, वो कह रहे कि ऐसी बात तो नहीं बोली थी कपिल जी ने कि भैया मुस्लिम शब्द का बोला था कि नहीं? इंशाल्लाह साहब देखिए एक चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा और इसको मेरा बायस ना समझा जाए। देखिए जब कोई लॉयर कोर्ट के सामने अपीयर हो रहा होता है तो वो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। कपिल सिब्बल जी ने अगर कोई आर्ग्यूमेंट किया है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक व्यक्ति होगा, संस्था होगी जो उनके पास गई होगी और उन्होंने उनको अपना काउंसिल हायर किया होगा, वो केवल उसकी बात कोर्ट के सामने रख रहे थे। तो कोई भी वकील हो, बीजेपी से जुड़ा हो, कांग्रेस से जुड़ा हो, कोर्ट के सामने वो केवल अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा होता है। उसमें शायद उस तरीके के एलिगेशंस, व्यक्तिगत एलिगेशंस उन पे लगा रहा, शायद मैं उस चीज से नहीं, मैं तो वो सिर्फ मुस्लिम शब्द की बात कर रहा था, क्या उन्होंने बोला कि नहीं? मैं उस समय कोर्ट रूम में मौजूद नहीं था तो मैं इस चीज को वेरीफाई नहीं कर सकता हूँ कि उन्होंने मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल किया या नहीं किया। लेकिन फिर भी अगर हुआ है तो मुझको लगता है कि शायद वो अपने क्लाइंट की इंस्ट्रक्शंस पर हुआ होगा, बजाय कि उन्होंने खुद उस अब मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर आता हूँ, इसके साथ साथ एक और चर्चा का विषय भी है त्यागी जी, और वो सवाल मैं उठाऊंगा, प्लीज आप नाराज नहीं होंगे। देश के भीतर ये भी बातें सामने आई कि जैसे ये कार्रवाई हुई, जो पत्थर वत्थर जिन्होंने चलाए उनके ऊपर एनएसए लग गए, 5 पर एनएसए लगे, ये जायज मानते हैं आप त्यागी जी जो एनएसए लगे? त्यागी जी, और मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज भूदेव जी, अभी मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट विषय पर चर्चा कर रहा हूं, प्लीज डिस्टर्ब मत करिएगा, मैं आपके पास पूरा आपको मौका दूंगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट विषय है बहुत। त्यागी जी आप इसे जायज मानते हैं जिन पर एनएसए लगे? चावला भाई बिल्कुल जायज है, जो जेब में, जो देश के अंदर देश विरोधी काम करेगा, राष्ट्र विरोधी काम करेगा, उस पर एनएसए, देश विरोधी तत्वों को संरक्षण देगा, सब पर एनएसए लगना चाहिए, सब पर एनएसए लगना चाहिए, क्योंकि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कानून का राज है, बिल्कुल कानून का राज है। आप सबने सुना, उन्होंने किया ही कुछ नहीं, केवल देश विरोधी तत्वों को, ताकतों को संरक्षण देने का काम किया कांग्रेस ने, सवाल ले लीजिए प्रदेश के, भूदेव जी तीन मिनट के बाद आऊंगा आपके पास, भूदेव जी परेशान मत होइएगा, 3 मिनट के बाद आऊंगा। त्यागी जी मेरा सवाल अगला ले लीजिए आपसे, कि आपने कहा एनएसए लगना चाहिए, तो एनएसए उन पर भी लगना चाहिए जो शोभा यात्रा बिना परमिशन के निकाल रहे थे, उनके हाथों में हथियार थे, क्या एनएसए उन पर भी लगना चाहिए कि नहीं? उन्होंने कहीं पथराव नहीं किया, कानून ने उनके खिलाफ, प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया और जिन्होंने ऐसा किया वो गिरफ्तार हो गए हैं, बीएसपी के विवाद प्रचारक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ, बजरंग दल के भी खिलाफ
मुकदमा दर्ज हुआ। भारतीय जनता पार्टी को इस पर कोई आपत्ति नहीं है, कानून ने अपना काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने विरोध नहीं किया, उनके खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज हो गया? ओके, आप ये कह रहे हैं कि उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है, एनएसए नहीं लगना चाहिए क्योंकि उन्होंने जाति नहीं की, कोई हथियार वगैरह कुछ ऐसा नहीं था। ओके, नहीं हाँ, उन्होंने ऐसा अगर कोई अपराध किया तो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन क्या किसी के पास एक फुटेज है कि बजरंग दल और बीएसपी ने वहां अराजकता फैलाने का काम नहीं, किया, हथियार की बात कर रहा था ना, मारने का काम किया, तो वो क्या आपस में ही भिड़ रहे थे सारे? कौन? अरे आप चावला भाई, जहांगीरपुरी का सीसीटीवी फुटेज आ चुका है, ये महीनों की तैयारी थी, रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेशी और ऐसे लोगों को कांग्रेस प्रशासन देने का काम करती है। ओके ओके, अभी कांग्रेस का कांग्रेस से पूछ लेना आप, त्यागी जी मैं कुछ समाजवादी पार्टी कुछ तथ्यों की बात करूंगा, समाजवादी पार्टी ने प्लीज प्ले करिएगा एनएसए वाला बना करके रख दिया था। ओके ओके, प्लीज प्ले करिएगा एनएसए वाला आप वीडियो होगा। और त्यागी जी मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, ये कुछ तथ्य हैं जो मैं सामने रख रहा हूं आपके, इन तथ्यों को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है और मैं जानता हूं इस पर चर्चा नहीं होती है हमारे बड़े बड़े चैनल्स में। पिछले साल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एनएसए के 41 मामलों में से 30 मामलों को खारिज कर दिया था। तब इंडियन एक्सप्रेस की अपनी एक रिपोर्ट में उन्होंने लिखा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो कहा था कि जिलाधिकारी मशीन की तरह आदेश जारी कर रहे हैं, कुछ मामलों में पुलिस रिपोर्ट के आधार पर ही एनएसए लगाया जा रहा है, इसलिए 41 मामलों में से 30 मामलों को हम खारिज करते हैं। प्लीज त्यागी जी, त्यागी जी ये एनएसए वाली बात जी, ये पिछले साल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नेटवर्क में कोई हाँ नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है। हाँ मैं ये कह रहा हूं कि एनएसए 41 मामले एनएसए के और उसमें से 30 कोर्ट ने खारिज कर दिए थे, ये रिपोर्ट्स मैंने आपके सामने रखी। और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जिला अधिकारी मशीन की तरह आदेश जारी कर रहे हैं और कुछ मामलों में पुलिस रिपोर्ट के आधार पर एनएसए लगाया जा रहा है जो कि जायज नहीं है। 41 में से 30 मामले कोर्ट ने खारिज कर दिए एनएसए को लेकर, अब आपकी प्रतिक्रिया। देखिए देश में और प्रदेश के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था अलग होती है और माननीय जुडिशरी व्यवस्था एक अलग है। जुडिशरी प्रशासन से जो मामले होकर के जाते हैं, जुडिशरी व्यवस्था तो आप एनएसए का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने स्तर से, उसका आप एनएसए का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं चावला भाई, उसका परीक्षण करते हैं और न्यायालय को नहीं लगता। नहीं, गलत इस्तेमाल तो कांग्रेस पार्टी ने किया था जब प्रज्ञा ठाकुर को जेल भेजने का काम किया था, इसका एक और तमाम देशभक्तों को जेल भेजने का काम किया था, प्रज्ञा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी को झूठे मामलों में फंसाने के लिए एक बार फिर से प्ले करिए, सरकारी अमला लगा दिया था। भारतीय जनता पार्टी कभी किसी चीज का त्यागी जी उपयोग नहीं करती। त्यागी जी मैं थोड़ा ना, त्यागी जी आपके सामने है ना जो रिपोर्ट है जो उस वक्त की, मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। उस रिपोर्ट के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एनएसए की 41 मामलों में से 30 मामलों को खारिज कर दिया था, मैं इसलिए आपसे बात पूछ रहा हूं, है ना? तो ये चावला तो रिपोर्ट भाई, इसमें चावला भाई, इसमें तो नहीं बहुत ना? सारे कारण हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि विवेचना अधिकारी ने सही से विवेचना ना की, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इसमें मैं कोई एक प्रतिक्रिया दूंगा तो वो गलत होगी, लेकिन अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ, अब एक और उदाहरण दूंगा आपको, प्रशासनिक व्यवस्था अच्छा, आपने कहा विवेचना गलत होगी। पिछले ही साल, नाराज मत होइएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, मैंने कहा कि विवेच एक मिनट, मेरे को मालूम है उस मामले में तो आपने विवेचना बहुत ध्यान से की होगी और बड़े से बड़ा वकील भी खड़ा किया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, जिस मामले का मैं जिक्र करने वाला हूं। आपने साध्वी प्रज्ञा का जिक्र किया था, मैं एक और मामले का जिक्र कर रहा हूं। पिछले साल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने काफिल खान के केस में कहा था कि प्रशासन ने अवैध रूप से एनएसए लगाया, अवैध रूप से कानून का प्रावधान किया गया, कोर्ट की स्टेटमेंट है, काफिल खान के मामले में एनएसए गलत लगाया गया पिछले साल, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, यह आपके सामने है उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट्स। आप कुछ कहेंगे त्यागी जी? आप चावला भाई प्लीज स्क्रीन पर लाइए। चावला भाई मैंने अभी कहा कि देश के और राज्य के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था अलग है, जुडिशरी व्यवस्था अलग है, प्रशासन को अगर लगता है कि हमें ये कदम उठाना है तो प्रशासन किसके कहने पर चलता है, विशेष प्रशासन किसके आदेश पर चलता है, प्रशासन देखे छोटे छोटे मामलों में, हर जरूरी नहीं है कि हर मामला राज्य सरकार, छोटे मामले हैं, आप एनएसए को छोटा मामला मानते हैं,
आप एनएसए को छोटा मामला मानते हैं? मैंने कहा कि हर छोटा मामला, हर छोटा मामला एनएसए छोटा मामला, हर मामला प्रदेश के मुखिया के संज्ञान में नहीं होता। सर मैं तो मुख्यमंत्री की बात ही नहीं कर रहा, दे दिया जाता मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि एनएसए आप छोटा मामला मानते हैं? एनएसए किसी को राष्ट्रद्रोही घोषित कर देना है वो छोटा मामला है? त्यागी जी छोटा मामला है? उसके खिलाफ जो अगर प्रशासन को तथ्य, अगर तथ्य प्रशासन को मिले होंगे तो बिल्कुल प्रशासन ने उचित कार्रवाई की होगी। ओके 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 मैं एक सेकंड, मामला एक सेकंड, मैं बिल्कुल छोटा गया। ओके ओके तो आप, उसके लिए ओके ओके आपने आपने संयम के साथ सुना भूदेव जी, थैंक यू सो मच। और कीर्ति जी आप लोगों ने संयम के साथ सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपके पास आ रहा हूँ आशीष जी, क्या वाकई एनएसए के मसले को लेकर कोर्ट के भीतर अगर कोर्ट ये कहे कि भैया 41 मामलों में से 30 मामले खारिज कर दिए, तो क्या ये वाकई गंभीर विषय है कि नहीं? शोला साहब फिर से मैं कहूंगा मैं पॉलिटिकल नहीं होऊंगा। नहीं मैं नॉन पॉलिटिकल बात पूछ रहा हूं आपसे। हाँ प्लीज, भारत में सरकारों ने जिस भी पार्टी की सरकार रही, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के प्रावधानों का एक सही तरीके से जो इस्तेमाल हो सकता था शायद उस तरीके से ही किया गया है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। और जिसकी देखिए एनएसए है क्या, टेक्निकली बहुत छोटा सा ये कानून है जो कहता है कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है या पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कोई करने का ऐसा अंदेशा है तो एक प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सकता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब आपने क्राइम किया है उससे पहले ही आपको डिटेन किया जा रहा है और इसमें आपको तुरंत ट्रायल या कोर्ट से कोई रिलीफ मिले ऐसा भी प्रोविजन नहीं, इसका पीरियोडिकल रिव्यू होता रहता है। तो बहुत ही स्ट्रिंजेंट प्रोविजन हैं और इस स्ट्रिंजेंट प्रोविजन को एज स्ट्रिक यूज करती हैं सरकारें। और ज्यादातर मामलों में हम देखते हैं कोर्ट्स में कि ऐसी जगह पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है जहां पर शायद इस चीज की जरूरत नहीं थी। और इसी वजह से आप देखिए कि जैसा आपने फिगर दिया कि सब्सटेंशियल नंबर ऑफ केसेस को कोर्ट ने पाया कि ये शायद एनएसए का मामला नहीं बन रहा था जहां पर राज्य सरकारों को फटकार। ठीक, अब भूदेव शर्मा जी और कीर्ति निधि मैं आप लोगों के पास आता हूं, आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? बुलडोजर बंद कर दें, वाइंड अप करें खेल को, नहीं चलना चाहिए बुलडोजर बिल्कुल? तिलक जी, त्यागी जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की लेकिन मैं आपको आपके माध्यम से मैं इनसे याद दिलाना चाहता हूं कि 27 जनवरी को किसानों पे, इनके नेताओं पे, इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा पत्थर बरसाए गए जो अपने गांधीवादी रूप से अपनी मांगों के लिए आंदोलन कर रहे थे उनको पीटा गया, क्या उन पर बुलडोजर चलाएगा, क्या उन पर एनएसए लगाया गया? मैं जानना चाहता हूं कि किसानों के ऊपर जो गाड़ियों से रौंद करके उनकी हत्या कर दी गई क्या उनके ऊपर एनएसए लगाया गया, क्या उनके बुलडोजर से मकान रौंदे गए? उत्तर प्रदेश में जो हमारी माता बहनों के साथ बलात्कार करके उनको उनके परिवारों तक को खत्म कर दिया गया, उनको रात को जला दिया गया, क्या उनके ऊपर एनएसए लगाया गया, उनके ऊपर बुलडोजर चलाया गया या फिर कब चलवाएंगे ये बुलडोजर उनके घर पे? तो ये बुलडोजर खेलना बंद करें और जो देश के मुद्दे हैं, जो देश का युवा आज अपने रोजगार के लिए भटक रहा है उसको रोजगार देने का काम करें, वरना ये जो 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 युवा है ना जो बेरोजगार घूम रहा है ये किसी दिन इतना बड़ा फूटेगा कि आप कहीं दिखाई भी नहीं दोगे। okay. तो अब युवा थक चुका है, आज okay. उसको आंदोलन करने की परमिशन नहीं मिल रही है okay. चाहे वो जंतर मंतर पर करे या कहीं दूसरी जगह okay. करे okay. आंदोलन करने तक की परमिशन नहीं दी जा रही है। हाँ, आपके यहाँ भी होते थे भूदेव जी, छोड़ी उस बात को भूदेव जी, आपके यहाँ भी लोग रामलीला मैदान से भाग जाते थे है ना, तो इसे छोड़ो वो बात। कीर्ति निधि जी मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि सॉल्यूशन परमिशन सभी को दी जाती थी, सबको दी जाती थी, आंदोलन करने का अधिकार सबको था, लोगों को करने के लिए परमिशन दी जा रही। पांच पांच साल से युवा जो क्या है आंदोलन के लिए परमिशन मांग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हो गया हो गया हो गया भूदेव जी, ठंडा पानी भूदेव जी डाली जाती है। भूदेव जी हो गया, एक मिनट कीर्ति निधि, क्या पर भी लाठीचार्ज हमने ही कराया था? बाबा रामदेव पर भी लाठीचार्ज हमने ही कराया। अब सवाल मत पूछो मुझसे, सवाल मत पूछो मुझसे, मेरी पूछ पार लोगे, यही तो कह रहे थे बाबा रामदेव जी। एक मिनट रुक जाइए ना, ऐसे तो बोल रहे थे ना, रुक जाओ एक सेकंड। बाबा रामदेव तो सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हाँ हाँ ओके, भूदेव जी यही बड़ी समस्या है आप, एक मिनट, इतने उत्तेजित हो जाते हैं, देश में वैसे इतना बवाल जान हो रहा है, ठंडा पानी पियो आराम से है ना, ट्वीट ट्वीट खेलो, रुको। कीर्ति निधि जी मैं एक बात जानना चाह रहा था, सॉल्यूशन क्या दिखाई देता है बुलडोजर का? देखिए
तिलक जी, जो बुलडोजर है, बुलडोजर विकास के लिए बना और चले बुलडोजर, मैं नहीं कहता, लेकिन एक समान भाव से, विधि संगत तरीके से, न्याय संगत तरीके से चले और इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन भेदभाव के आधार पर अनियंत्रित तरीके से, तानाशाही तरीके से बुलडोजर चलेगा तो उसका प्रतिकार, उसका विरोध होगा। और जिसकी चर्चा आप कर रहे थे बार बार, मैं भी वकील हूं, अधिवक्ता का सबसे जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, सीनियर वकील बैठे हैं, वो है अपने मौकिल का हित करना, अपने मौकिल के हित में फैसले करना, और वही काम कपिल सिब्बल जी ने किया। कोई भी वकील खड़ा होता तो पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए जो भी बन पड़ता, नहीं तो पीड़ित तो उसमें गुप्ता जी भी थे ना, पीड़ित तो उसमें झा जी भी थे, सबकी बात हो गई, सबको न्याय मिल गया। आप मुस्लिम शब्द बोलेंगे और फिर कहेंगे कि जो संदेश दे रहा था वो संदेश दे दिया उन्होंने। ये तो अधिवक्ता का, आप कोर्ट में खड़े होकर ये कहे कि 2019 में चुनाव में फैसला प्रभावित होगा पूरे देश में 2019 में, इसलिए आप होल्ड कर दो राम मंदिर का, तो फिर आप जो मैसेज दे रहे हैं वो तो कोर्ट से चला गया ना कि भैया आप मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर मत चलाओ। इसका मतलब जो है भूदेव जी की सरकार आएगी वो कहेंगे कि भाई कर लो कब्जा। क्या मैं ये कह रहा हूं, क्या गुप्ता जी को न्याय नहीं मिल गया उससे? गुप्ता जी का भी जिक्र कर लेते ना आप, जो कागज दिखाते रह गए, एमसीडी देखने को तैयार नहीं थे, वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनका भी, उनको भी न्याय मिला। अगर बुलडोजर रुका तो उसमें जितने भी लोग रहने वाले, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको मिला। और जो बात तिलक जी सबसे महत्वपूर्ण है कि इन्होंने, त्यागी जी ने कहा कि जो बिना परमिशन के जुलूस निकाल रहे थे, ये सारे विवाद की जड़ वही है, इससे उनके ऊपर क्यों नहीं लगा? ओके ओके त्यागी जी, मैं चलते चलते कुछ मेरे जहन में ऐसे ही चलते चलते बातचीत में आ गया, क्योंकि वक्त भी इजाजत नहीं दे रहा। मैं पैटर्न समझ रहा था, बड़ा अजीब सा सुनने और देखने में लगता है, पहले हिजाब आया, फिर हलाल आया है, फिर 80-20 आया, फिर नेटवर्क चला गया त्यागी जी का, फिर नेटवर्क चला गया। यह बड़ी समस्या है ना। अभी तो मैंने कॉमन सिविल कोड का जिक्र भी नहीं किया, जिन्ना का जिक्र भी नहीं किया, अजान का जिक्र भी नहीं किया, हनुमान जी का भी जिक्र नहीं किया, लेकिन उससे पहले नेटवर्क चला गया। खैर, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। कीर्ति जी, भूदेव जी और आशीष सर, थैंक यू सो मच, हमेशा की तरह आपने जनता का ज्ञानवर्धन किया कानूनी नजरिए से कि कानून कहता क्या है। लेकिन मसला गंभीर है, बुलडोजर जायज है या फिर नहीं, आप खुद ही तय करें तो बेहतर होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।